जनता शामली के जिंझाना थाना क्षेत्र के गांव टोडा में राठी खाप के चौधरियों की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से चौधरी कालूराम जी को राठी का थांबेदार नियुक्त किया गया। पूरा मामला जनपद शामली के गांव टोडा का है, जहां पर राठी खाप का ढांबेधार बनाने के विषय में हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से राठी खाप की कोर कमेटी के सदस्यों की एक बैठक टोडा में हुई, जिसमें एक मत से एक फैसला लिया गया। टोडा गांव से चौधरी कालूराम जी को सर्वसम्मति से राठी खाप का थांबेदार बनाया गया और सभी खाप चौधरी और क्षेत्र से आए चौधरियों ने कालूराम जी को मंत्रोपचार द्वारा तिलक लगाकर और पगड़ी बनाकर स्वागत किया। बैठक में कोर कमेटी के सभी सदस्य, क्षेत्र से आए सैकड़ों चौधरियों ने कोर कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में चौधरी कालूराम जी को राठी खाप का थांबेदार बनाया। किसी भी खाप में थांबेदार होते हैं और पहले जो जिस में भी थांबेदार हुए हैं उनको जनता के द्वारा या खाप के द्वारा चुना गया। आज यही परंपरा की यहाँ पे शुरुआत थी। यहाँ राठी खाप की एक पंचायत थी जहाँ शामली में, उन गांव से सभी गांव से राठी खाप के लोग आए हुए थे और उन्होंने अपना थांबेदार बाबा कालूराम जी को चुना। राष्ट्रीय कोर कमेटी के हम लोग उनको उनका सम्मान और उनका समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सर, जिस तरह से अध्यक्ष जी नहीं है मौके पे तो कमेटी ने चुना है, अध्यक्ष जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी में कोई अध्यक्ष नहीं है और हमारी कोर कमेटी में 31 लोग अभी तक सदस्य हैं, सब के सब। मैं उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ राठी खाप का, और बाकी अगर आपका अध्यक्ष से ताल्लुकात है कि खाप का चौधरी, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि थंबेदार हमेशा खाप के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ये विधिवत चयन हुआ है पहली बार थांबेदार का। ऐसे नहीं होता कि हमने पर्चा पकड़ाया या चौधरी ने कहा किसी को जाके कि हमने इसको थांबेदार बना दिया, ऐसे थांबेदार नहीं बनते, हमेशा पंचायत में थांबेदार चुना जाता है। पूरा मामला ये है जी, आज हमारे राठी परिवार की एक बड़ी मीटिंग हुई। शामली जिले के जो लगभग 19 गांव हैं वो सभी इसी मीटिंग में आए और 19 गांवों ने सर्वसम्मति से कालूराम जी को थांबेदार नियुक्त किया है। मैं राठी खाप कोर कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और अपने सभी कोर कमेटी साथियों के सहित कालूराम जी का धन्यवाद और उनको बधाई देने के लिए हम शामली पहुँचे हैं और बहुत अच्छा लगा परिवार जी हमारी मीटिंग।